LG G8X की प्लानिंग को तैयारी करते हुए ये क्या परचेज करने के लिए आ रहे हैं, भागते हुए अपने लैपटॉप की तरफ गए। 12 बजने ही वाले हैं, इनका ध्यान नहीं था, बट शुक्र है 12 बजने ही वाले हैं। शुक्र है इनके लैपटॉप में ऐसे जिनके कारण इनका लैपटॉप जो फटाफट खुल जाएगा, एंड ये खुल गया है। अब ये फ्लिपकार्ट खोल रहे हैं और ये क्या, फ्लिपकार्ट थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, लगता है इनको फोन मिलने की आशा कम है। LG G8X को इन्होंने सर्च किया और ये क्या, रिफ्रेश दबाए जा रहे हैं, फाइनली आ गया और ये इन्होंने परचेज किया और ये क्या, मिल गया। तो फाइनली हमारा LG G8X जो आ चुका है फ्लिपकार्ट की तरफ से, एंड ठीक कैमरा के नीचे अनबॉक्सिंग इसलिए भी की जा रही है क्योंकि मैं मेक श्योर होना चाहता हूँ कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं भेजा है, ठीक है। सो एक तीर से दो निशाने, पहला मेरा वीडियो बन जाएगा और दूसरा मेरा फ़ोन भी चेक हो जाएगा, और वीडियो तो मेरे को बनाना ही था ना। एक निशाना हमने ऑलरेडी सेट कर रखा था और हमारे खूनी चाकू को आफ्टर सो लॉन्ग इसको कुछ मौका मिला है खुलने का। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ भेजा हुआ है एंड अच्छा खासा गंदा हो रखा है ये, इतना गंदा हो रखा था कि मुझे लगता है धूल पड़े पड़े धूल लग रही थी, इसलिए इन्होंने ये निकाले हैं। एंड ये नीचे से ये निकला है एंड ये स्लाइड करके, मतलब यही सब कुछ है यार, LG G8X थिंक यू, यही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, गंदे पड़े हैं डब्बे। एंड यहाँ पर लिखा है 6 GB रैम, 128 GB, वर्क फ्रॉम होम, फेस्टिव स्पेशल लिमिटेड एडिशन, G8X थिंक यू। एंड ये है ऊपर हमारा Not for sale, complimentary with LG G8X Q, यही सब कुछ यार यहाँ पर लिखा गया है। एंड पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसी कुछ भी जानकारियाँ यहाँ नहीं लिखी हुई हैं। डब्बों में जनरली कुछ ना कुछ तो लिखा ही होता है यार। IMEI नंबर मैं ढक लेता हूँ, 70,000 रुपये इसमें लिखा है, हमें पता ही आप लोगों को कितने में पड़ा है, लिखा आ रहा है स्क्रीन पे, पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और हम चेक कर लेते हैं क्या क्या कॉन्टेंट हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अगेन खूनी चाकू को एक सील काटने के लिए बहुत ही मस्त, आज से पहले किसी भी फ़ोन में मैंने ये नहीं देखा कपड़ा, एंड LG का ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये हमारा LG G8X थिंक यू, बहुत ही ऑसम है यार ये तो। बॉक्स कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या क्या निकलता है, ये इसमें कुछ होगा देखेंगे बाद में हम। टाइप सी की बहुत ही अच्छी डेटा केबल है, ये जो वो चीज़ें हैं जो हमें आजकल बहुत कम दिखने को मिलता है, मतलब एक मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको एक ईयरफोन जो है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सो आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं यार ये, ब्रेडेड है, टाइप सी है, एंड इनकी साउंड भी बहुत अच्छी होने वाली है। एंड इसमें ये कुछ ईयर टिप्स हैं, ठीक है। एंड इसमें आप देख सकते हैं पावर ब्रेक आपको नहीं है, पावर ब्रेक मिली ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी एक सोल्यूशन है हमारे पास। एंड ये जो डब्बा है इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जन्म पत्री है, वारंटी कार्ड, ये कुछ जन्म पत्री सी है, एंड मैंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस है, मुझे मतलब लग रहा था कि कोई बेकार सी क्वालिटी होगी, बट नहीं, एक्चुअल में दिस इज़ वेरी गुड क्वालिटी। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे डब्बे पे, इसको खींचने के लिए प्रॉपर दिया गया है। तो ये है हमारा हाउ टू इंस्टॉल ड्यूल स्क्रीन, वो सब तो हम पता कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ मैम जी, भाई टूट ना जाए। हाँ तो ये कुछ बहुत ही शाइनिंग सा है यार, ये बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग सा, ये भी एक डिस्प्ले ही है एंड बहुत ही ज़्यादा हल्का है यार ये तो। एंड आप ये देख सकते हैं ये मैग्नेटिकली है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो ये इसमें चिपक जाता है, इसका कुछ मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो चलिए अभी सभी चीज़ों को साइड में रखते हैं। तो यार ये कुछ इस तरह का मोबाइल आप यहाँ देख सकते हैं, एंड साइड में ये बटन है, पावर लॉक है, एंड ये यहाँ पर गूगल वाला बटन है, नीचे की तरफ स्पीकर है, टाइप सी ग्रिल है, एंड पावर जैक दे रखा है यार, ये इंटरेस्टिंग थिंग है, ठीक है, ये तो इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई। एंड यू नो आपको एक बात बताऊँ, अगर मैं इसमें ये जो कैमरा है ना आप देख सकते हो एकदम फ्लैट है, मतलब क्या ये जो ग्लास है ना इसके अंदर है ये। तो यार जो मेन इसका है ये, ठीक है, ये कुछ इस तरह से इसमें लगता है, बहुत ही इजी है लगाना, बहुत ही ज़्यादा इजी, एंड ये फ़ोन कुछ इस तरह हो जाता है, एक्चुअल में थोड़ा हैवी फील हो रहा है। तो यार ये तो थी इस मोबाइल LG ड्यूल स्क्रीन की अनबॉक्सिंग, अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो यार अनबॉक्सिंग तो आप लोगों ने देख ली है, एंड आई होप अनबॉक्सिंग देखिए मज़ा तो आया होगा, मज़ा क्या, अडेप्टर तो नहीं था, थोड़ी थोड़ी आईफोन वाली फीलिंग आई, सच कह रहा हूँ, लग रहा था कि हमने भी शायद आईफोन ना ले लिया हो जिसमें चार्जर नहीं निकला। बट स्टिल यार हमें पता है आप लोगों को कितने रुपये में ये फ़ोन मिला है, एंड उस प्राइस में ये बिल्कुल भी नहीं खटकता है। एंड अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इसका ये उठता है अनबॉक्सिंग करने के बाद, बाकी हम बाद में करते रहेंगे बातें, सबसे पहले चार्जर का अब क्या किया जाए। चार्जर के लिए मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, आई हैव दिस अमेजिंग चार्जर,
18 वॉट का, मैंने 450 रुपये का चार्जर लिया था और आज भी इतने रुपए का ही है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका MI का चार्जर है और हाँ 16.1 वॉट का जो चार्जर था उसके जो साथ मिलता था। एंड हमारा जो मोबाइल है वो QC 4.0 सपोर्ट करता है एंड 4.0 का चार्जर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। और ये QC 3.0 है और 18 वॉट का आउटपुट देता है एंड फ़ोन बहुत ही मस्त तरीके से इसे चार्ज होता है। सो येस, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर दिस। वो रैप प्रूफ चार्जर जो है ना, रैप चार्जर या फिर ओप्पो के वूक चार्जर, वो सब काम नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा स्लो होंगे क्योंकि यार वो ना वन प्लस वगैरह के लिए ही बने होते हैं वो। सो 450 रुपये का है, ले लेना। ये तो आपको सोल्यूशन मैंने दे दिया, ठीक है, चार्जिंग का। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे चार्ज हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इस अमेजिंग अपनी ब्रिक के बारे में, मोबाइल के बारे में। लिटरली दिल जीत लिया इस मोबाइल ने, क्योंकि 20,000 रुपये के अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा सारी। मैं अब बिल्कुल बात नहीं करूँगा कि ये मैंने 56,000 का लिया, ये वो 20,000 से नीचे के फ़ोन की बात करूँगा कि इस प्राइस रेंज में अगर ये फ़ोन है तो क्या परफॉर्मेंस है, क्या कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस फ़ोन की ओवरव्यू की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ओवरव्यू में यार फ्रंट में 32 मेगापिक्सल कैमरा है जिसका आप एज ए रियर कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो अगली वीडियो में छोड़ेंगे, ठीक है। अभी राइट साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक पावर बटन है एंड बगल में ही एक माइक है, सेकेंडरी माइक, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। एंड वहीं अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रोकर मिल जाते हैं और एक गूगल असिस्टेंट का बटन मिल जाता है। गजब, बहुत ही बढ़िया काम करता है गूगल असिस्टेंट, ऐसा बटन मुझे अच्छा लगा, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ ना, तो ऊपर की तरफ है इसमें सिम ट्रे, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, आप सबको पता है, एक सिम और दूसरा सिम या फिर मेमोरी कार्ड, दोनों से, और 2 TB का मेमोरी कार्ड डाल सकता है भाई लोगों। मैंने सच कहूँ तो 2 TB का मेमोरी कार्ड खोजने की बहुत कोशिश की बट नहीं मिली, 512 GB का मैक्सिमम मुझे मिला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इफ़ यू वांट देन आप ले सकते हो, 6,500 रुपये के करीब है वो, तो लेना है तो ले लेना, स्लो वाले मत लेना, वाट लग जाएगी फ़ोन की। और अब नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ आपको, तो नीचे की तरफ बहुत ही बढ़िया सा खड्डा, हेडफोन जैक जो कि नहीं मिलता है इस फ़ोन में, वो मिल जाता है। एक और माइक, थर्ड माइक है, ये तीसरा माइक है इस फ़ोन का। एंड बगल में ही आपको टाइप सी पोर्ट है और बगल में है हमारा स्पीकर। अब स्पीकर की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है वो ड्यूल स्पीकर सपोर्ट करता है। ये 2.4 वॉट का इसमें स्पीकर है, बहुत ही गजब की आवाज़ है, अगर मैं आपको सुना के दिखाऊं तो ये नीचे से ए क्लास साउंड है, मैं सच कह रहा हूँ। और अब अगर साउंड की बात चली रही तो साउंड की बात खत्म कर लेता ना, ये जो ईयरफोन्स हैं, ओ भाई साहब क्या गजब ईयरफोन है। मैंने सॉन्ग सुना इसमें, जो इसमें ये 4 DAC जो सपोर्ट है इसमें, है ना, वो हाई फाई जो क्वाड डेक सपोर्ट है, 4 जो डेक है इसमें, जो ड्राइवर है काइंड ऑफ, है ना वो, और ये DTS 3D सराउंड, माइंड ब्लोइंग, मतलब ईयरफोन्स में जो गाना सुनने का मज़ा आया है इसमें, अमेजिंग अमेजिंग, मतलब इफ़ यू आर म्यूजिक लवर, बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको वॉइस ओवर वाला चैनल है या कुछ भी है, वॉइस ओवर आपको बहुत पसंद है देना, आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना पसंद है, तो सबसे खतरनाक चीज़ इसमें 24 और 32 दो बिट्स में साउंड जो रिकॉर्ड हो जाती है, और इसकी जो ऑडियो रिकॉर्ड होती है ना, वो ट्यून्ड बाय मेरिडियन ड्राइवर है, उसके थ्रू ट्यून हो जाती है एंड बहुत ही परफेक्ट जो साउंड है वो रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो अभी आगे की कुछ भी जो आपको सुनेगा ना, वो इस मोबाइल से आवाज़ आ रही है एंड इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की इसकी माइक की जो साउंड है वो मिलने वाली है। एंड इसकी जो माइक की साउंड है ना, काइंड ऑफ 3D साउंड के लिए वर्क करती है, ऊपर और नीचे माइक है। अगर आवाज़ इस तरफ से आ रही है और जब आप इन चीज़ों को सुनोगे ना, तो ईयरफोन्स में जो आपने इधर से माइक से जो चीज़ कैप्चर की गई है वो इधर वाले ईयरफोन में सुनेगी एंड जो इधर से सुनी है, मतलब इधर से कैप्चर किया, वो इधर सुनेगी। सो यही चीज़ है, वो मेरिडियन जो है वो ड्राइवर वो काम करता है बहुत ही गजब तरीके से। सो गजब की साउंड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बैक साइड पे। बैक साइड पे जो कैमरा है ना, वो पिछले ग्लास के अंदर ही सटा दिया गया है एकदम, मतलब ऐसे फ्लैट सपाट सा है। और ये लिटरली मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को कैमरा बम से, मैं अगर मतलब मेरे पास जो जितने मोबाइल हैं सभी कैमरा बम्प्स वाले थे एंड उस बीच अगर मुझे कुछ ऐसी चीज़ देते तो बहुत ही ज़बरदस्त है। 13 और 12 मेगापिक्सल कैमरा है इसमें, 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। फ्रंट का जो 32 मेगापिक्सल कैमरा है ना, वो भी वाइड कैमरा है। सो गजब का इसमें चीज़ है। और बॉडी की अगर मैं बात करूँ, गोरिल्ला ग्लास 5 है पीछे और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 6। इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग टॉप क्लास फ़ोन है, टॉप क्लास, इससे बढ़िया फ़ोन नहीं मिल सकता इस प्राइस रेंज में। और अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, OLED डिस्प्ले है, क्या गजब के कलर्स आते हैं। इट्स नॉट ए वेरी मच, मतलब जो AMOLED डिस्प्ले आती है उतनी अच्छी नहीं है, बट यार उससे कम भी नहीं है, मतलब
टक्कर देता है ये, क्योंकि ओलेट वगैरह सारी एक ही फैमिली की आती हैं, एंड इसके कलर्स एक्चुअली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए जब मैं इससे देख रहा था। तो मैं कंपेयर नहीं करूँगा अदर से, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे कलर्स हैं। मतलब इस प्राइस रेंज में ना मैं इसमें कमियां कोई निकाल ही नहीं सकता, चाह कर भी कोई कमी नहीं निकाल सकता। अब मैंने जैसे कि बताया, ये तो था पहला ओवरव्यू जो इस फ़ोन का था, अब दूसरा ओवरव्यू आ जाता है इस कवर के साथ। तो पहले तो मैं कवर की अगर मैं बात करूँ, तो कवर कुछ ये इस तरह से लग जाता है इसमें बहुत ही ईजीली। और जैसे ही कवर लगता है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसको दूसरी डिस्प्ले ऑन कर सकते हो, ठीक है। एंड अब इसमें आती है तीन डिस्प्ले आती हैं, तीन भी नहीं कह सकते हो, ढाई डिस्प्ले कह सकते हो आप, 1, 2 एंड ये जो फ्रंट में टाइमर वाली है ये है 3। जो फ्रंट का तो सिर्फ ये बहुत ही कम हर्ट्ज में, इवन आपको कैमरा में भी दिख रहा होगा कि रिफ्रेश रेट इसका बहुत ही स्लो है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार उससे, एटलीस्ट उससे आपको टाइम और मैसेज या मिस कॉल का नोटिफिकेशन जो है वहाँ से मिल जाता है, एंड बहुत ही परफेक्ट है। एंड इस केस की अगर मैं बात करूँ, इस केस में अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे ना, तो नीचे की तरफ एक्चुअल में जो इसका हेड है ना, मतलब जो इसका बोन है यार, वो उसमें एक्चुअल में मैग्नेट है, जिस रीज़न से जो भी ये केस है फ्लिप करता है तो ये आपस में चिपक जाता है, मतलब मैग्नेटिकली थोड़ा चाहिए होगा, नहीं तो यार ये झूलता रहेगा अगर ढीला हो गया, इन केस वैसे तो नहीं होगा, इन केस अगर हो जाता है। और नीचे की तरफ ना ये मैग्नेटिक वाली ये लगी हुई है, और जो इसकी मैग्नेटिक वो इतनी स्ट्रांग है, आपको मैं दिखाऊँ, अगर मैं नॉर्मली वैसे रखता हूँ ऑटोमेटिक चिपक जाती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एंड जो स्पीकर के लिए जो होल बना रखा है, एंड जो ईयरफोन जैक के लिए होल बना रखा है, गजब कर रखा है। इवन जो ये इसके ईयरफोन्स हैं ना, वो भी पूरे पूरे इसी के साइज़ के कर रखे हैं इन्होंने। एंड साइड की तरफ यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बट हाँ फ़ोन में ना ऑलरेडी एक लेमिनेशन साइड में लगी हुई है, हालांकि कुछ दिनों में वो उतर जाएगी, बट स्टिल कुछ दिनों के लिए वो चीज़ दे रखी है। ऊपर की तरफ जो माइक के लिए एक छेद जो बना रखा है, और साइड की तरफ ये जो बटन्स हैं, अब ये बटन्स मुझे पहले लगा कि ना जैसे नॉर्मल केस होते हैं, हम ये भी बटन दबाएंगे तो ये अंदर हमारे फ़ोन वाले बटन्स को प्रेस करेगा, बट नहीं, ये केस के सेपरेट बटन हैं, और केस में ही ये एक्चुअल में टैक्टाइल कर रहे हैं, कि मतलब केस में है सेपरेटली ये बटन। सो अंदर वाले बटन तो आपके यूज़ ही नहीं होंगे अगर आपने ये चीज़ लगा रखी है। एंड ड्यूल डिस्प्ले चलाने का जो मज़ा है, ओहो। अब आ जाते हैं इसके लॉक पे, लॉक है इसमें यार, पिन वगैरह वाले लॉक हैं, बट वो सब चीज़ें तो होती हैं। फेस अनलॉक नहीं है, फिंगरप्रिंट अनलॉक है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। अब मैं फिंगरप्रिंट अनलॉक की अगर मैं बात करूँ, तो ये मैं जैसे OnePlus 8 Pro हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके सामने थोड़ा स्लो है, उसमें आपको जैसे ही रखा और टैप करके छोड़ देते हो, बट इसमें आपको एटलीस्ट फॉर द वन सेकेंड तक आपको टैप करके रखना पड़ता है अपने फिंगर को, बट आई थिंक इट्स ओके, बाकी परफेक्टली वर्क करता है, ऐसा नहीं स्किप कर देता है, थोड़ा सा उसको लगा के रखना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं चार्जिंग के बारे में। चार्जिंग का मैंने बता दिया आपको, 18 वाट की अडैप्टर ब्रिक लेनी है आपको, और ये मैग्नेटिकली भी इसमें चिपक जाता है आपको, ठीक है। और ये बात आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी कि इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है, एंड काफ़ी लोगों को पता होगी, ठीक है, बट काफ़ी लोगों को नहीं पता इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है। इस प्राइस रेंज में कौन से फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देता है मुझे बस बताओ, क्यों चार्जिंग वाला इसमें सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड काफ़ी लोगों की गलतफहमी थी कि अब वायरलेस चार्जिंग के लिए आपको एक केस उतारना पड़ेगा तब जाके प्रॉपर चार्ज करेगा वो, नहीं ऐसा नहीं है यार, इवन कि आप देख सकते हो, अभी दिखाता हूँ अगर मैं, ये मेरे पास OnePlus का यूं ही एक चार्जर पड़ा था, एंड ये ब्लिप आपको सुना और देखा, चार्ज होना शुरू हो गया, केस में भी ये परफेक्टली चार्ज करता है। अब बात कर लेते हैं वायरलेस चार्जर कितना सपोर्ट करता है। वायरलेस चार्जर सपोर्ट करता है 9 वाट का चार्जिंग ओनली, ठीक है यार, अगर आपने रात को यूं ही रखा है या फिर कुछ भी है, एटलीस्ट आपका वायरलेस चार्जिंग तो सपोर्ट करेगा, बाकी टाइप सी तो है ही आपके पास, टाइप सी भी आपका मैक्सिमम जो 21 वाट सपोर्ट करेगा। एंड फॉर द सोर्स, काफ़ी लोग कहेंगे तुझे कैसे पता चला 21 वाट सपोर्ट करेगा, GSM Arena खोल लेना या फिर LG की वेबसाइट खोल लेना, दे क्लियरली मैंशन कि ये मतलब इस तरह का है। और हाँ, LG का चार्जर लेने की जरूरत नहीं अगर वो कहते हैं, वैसे तो पहली बात मिलेगा नहीं, सर्विस सेंटर में जाओगे 850 रुपये का, 400 रुपये बचाओ, MI वाला ले आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहीं से लेना है, बता रहा हूँ मैं, वहीं से ले लेना। अब आ जाती है बात एक और फीचर की, जो कि है वाटरप्रूफिंग। IP68 की रेटिंग है, वाटरप्रूफ है, पानी में डूब भी जाएगा तो भी निकालो और आराम से यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब मुझे बताओ इस प्राइस रेंज में इस लेवल की वाटरप्रूफिंग कौन देता है, पता है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, नहीं भी है तो कुछ भी लिख देना यार कमेंट में, लिख देना बस। तो अब आपको जैसा कि पता है अपने टेक ऑर्गेनिक का रिवाज है, किस चीज़ का, कोई भी पोर्टेबल चीज़ है उसका भार करना ज़रूरी है, क्यों पता तो चले एक्चुअली में कितना भारी है। तो इसका भार अगर मैं देखूं, तो इस फ़ोन का भार है 194 ग्राम्स, बट ऑब्वियसली इसमें फ्लिप कवर है, आई एम नॉट द पर्सन जो इसको यूं ही यूज़ करेगा, फ्लिप कवर के साथ मैं इसे यूज़ करूँगा भाई,
तो अब फ्लिप कवर के साथ देखते हैं इसका वेट कितना है। फ्लिप कवर के साथ है 332 ग्राम का। एंड में सच कहूँ तो जब मैं इसे यूज़ कर रहा था तो मेरा कुछ देर के बाद थोड़ा सा हाथ दुखना शुरू हो गया था। वाई, मेरे पास ये 195 ग्राम का वन प्लस 8 प्रो है, वन प्लस 60 है जिसका वेट 185 ग्राम है। एंड शायद उस रीज़न से जब आपके पास कोई डबल भार आ जाए, हालांकि इट्स नॉट ए बिग वेट बट स्टिल मोबाइल को आप ज़्यादा देर तक पकड़ते हो तो थोड़ा सा आपको हैवी लगने लग जाता है, आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहता है, बट स्टिल आप उसको रख के भी टाइप कर सकते हो। डैट इज़ अ परफेक्ट पार्ट ऑफ दिस मोबाइल, रियली रियली अमेजिंग। मैं इस फ़ोन से अच्छे से खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। बाकी यार आपका ड्यूअल 4G है, 5.0 का इसमें ब्लूटूथ है, सब कुछ मस्त है। ईयरफोन मस्त तरीके से दे रखे हैं एंड बढ़िया क्वालिटी के ईयरफोन दे रखे हैं भाई, एकदम मतलब धागे जैसे पतले वायर क्वालिटी। ये पहली बार है कि पतली तार वाले ईयरफोन्स को मैं कह सकता हूँ कि अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन हैं। और जब आप साउंड सुनोगे उसकी, इफ़ यू आर द म्यूजिक लवर, आप समझ सकते हो मैं किस लेवल का कह रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की, कैमरा किस तरह इसकी फोटो खींचेंगे। ठीक है, अभी आगे मैं प्ले कर देता हूँ। और कैमरा मोड्स की अगर मैं बात करूँ इसमें आपको, तो कैमरा मोड कौन कौन से मिलते हैं आपको इसमें, तो पहली बात अगर मैं बताऊँ आपको, इसमें आपको कैमरा मोड में नाइट मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड मोड मिल जाता है, वाइड तो इसका है ही ऑलरेडी, अल्ट्रा वाइड भी है वो भी मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड इन वीडियो जो वन प्लस 8 प्रो में अब जाकर आया है वो इसमें ऑलरेडी था। अभी आपको ये सैंपल जो है ना, मैं कैमरा का इसका सेपरेट रिव्यू बनाऊंगा, डिटेल्ड में रिव्यू बनाऊंगा, उस चीज़ के लिए आपको ट्यून रहना पड़ेगा, सब्सक्राइब दबा देना। और हाँ, इस फ़ोन की मैं पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेकर आऊँगा, जो भी मैंने खुद से फील की है या क्या क्या हम कर सकते हैं, कुछ अपने तरीके से भी चीज़ें इन्वेंट की जाती है ना कि हाँ इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। सो यस, आई डिड डैट, और मैं उसका भी वीडियो लेकर आऊँगा। ऑल यू हैव टू डू जस्ट टू प्रेस सब्सक्राइब, और कुछ नहीं करना आपको, सब्सक्राइब दबा देना। तो अब बात कर लेते हैं, आप जब आपके पास ये फ़ोन आएगा आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लेना आपको 450 रुपये का चार्जर, लेना ज़रूरी है वो तो, अगर आपने 55 का लिया है तो आपके पास होगा, ठीक है। और एंड दूसरी चीज़ आपको सबसे पहले क्या करनी है, टेम्पर्ड ग्लास चढ़वाने हैं। हाँ, अब मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैसे तो वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है बट वो कह रहे थे रीस्टॉक कर देंगे। अब उसमें आपको चार तरह के टेम्पर्ड ग्लास मिलेंगे, मतलब चार टेम्पर्ड ग्लास टोटल मिलेंगे, फ्रंट, ये फ्रंट, ये वाला फ्रंट एंड ये वाला बैक, चार टेम्पर्ड ग्लास आपको मिलेंगे, लगा लेना। क्योंकि यार ये बार बार जब आप फ्लिप वगैरह करोगे ना, एंड कुछ जो छोटे छोटे कण होते हैं ना मिट्टी के, वो दिखते नहीं आँख से, बट जब स्क्रैच, मतलब ये स्क्रीन आपस में टकराएंगी कुछ भी होगा, तो उस रीज़न से क्या होगा कि आपकी जो स्क्रीन है उसमें वो स्क्रैच पड़ सकते हैं, एंड दैट इज़ रियली गोइंग टू अनॉय यू। चाहे इसमें फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 6 लगा है बट स्टिल स्क्रैच तो भैया आ ही जाता है, कांच तो टूटेगा ही टूटेगा, कांच में स्क्रैच लगेगा ही लगेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या डीमेरिट्स लगे मुझे, कमियां, मतलब पहली बात थोड़ा सा हैवी है, दूसरी बात सिर्फ 4000 mAh की बैटरी है। अब 4000 mAh बैटरी में क्या होगा, ड्यूल डिस्प्ले जो है उसकी वजह से काफ़ी जल्दी बैटरी जो खर्च हो जाती है, स्पेशली जब आपकी ब्राइटनेस फुल हो, ठीक है। एंड थर्डली, इसमें शायद मुझे ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा हाई नहीं लगी, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम थी, जिस रीज़न से अगर आप बाहर जाओगे तो मे बी लिटिल बिट आपको दिक्कत आने वाली है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं आएगी, दिख ही जाता है वैसे तो यार, बट स्टिल मे बी मैं वन प्लस 8 प्रो यूज़ कर रहा हूँ शायद इस रीज़न से मुझे ऐसा लग रहा है, बट स्टिल। और हाँ, एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी, वो कैमरा फालतू के नहीं दे रखे हैं, वो मैक्रो मोनोक्रोम, दो प्रॉपर सेंसर हैं, वाइड और अल्ट्रा वाइड, 32 मेगापिक्सल का है, और 32 मेगापिक्सल जो फ्रंट कैमरा उसको एज ए रियर कैमरा भी यूज़ कर सकते हो। उसका भी जो नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो आएगा उसमें आपको मिल जाएगा गजब से, या फिर जो कैमरा रिव्यू आएगा ना अगला उसमें भी आपको मिल जाएगा। अच्छी सी लोकेशन में जाकर हम फोटोग्राफी करेंगे, कुछ करेंगे, तो ठीक है, देखना ज़रूर। और जाते जाते मैं साउंड की बात कर जाऊँ आपको, ईयरफोन्स अगर आप लगाते हो तो 7.1 का साउंड सराउंड सिस्टम आपको मिलेगा, मूवी इफेक्ट आएगा, लिटरली 3D इफेक्ट। मैं जब इसमें मूवी देख रहा था ना, एक अमेजोन प्राइम में मूवी देख रहा था, इट्स लाइक जब गाड़ी यहाँ से हिट कर रही है एंड यू आर लाइक, मतलब प्रॉपर ऐसा आपको फील हो रहा था, आपको सच में लगेगा कि आप ही को तो नहीं कोई आगे मार गया, तो कुछ ऐसा वैसा ही है। सो यही था गाइस, छोटा सा वीडियो, छोटा तो नहीं, थोड़ा लंबा हो गया मेरे को, क्योंकि इस मोबाइल की इतनी एक्साइटमेंट है, मुझे तो शायद लगता है कि मैंने अभी भी काफ़ी कम चीज़ें बताई हैं या कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं मैंने। अब बाकी अगर कुछ चीज़ें छोड़ दी हो कमेंट्स में लिखो, मैं उसको नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में कवर करूँगा, या कोशिश करूँगा, या कुछ भी करूँगा, क्योंकि मैं यार इंसान हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, आई एम नॉट द परफेक्ट वन कि जो हर चीज़ कर सके, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी परफेक्ट वन,
बट आई एम नॉट परफेक्ट राइट नाउ। सो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और शुरू की वो नौटंकी से लेके एंड की मैरिज की थोड़े बहुत रिव्यू की तक आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे गाइस।